हिमालय क्षेत्र में रहने वाला अनोखा जीव मरमोट। मरमोट अनोखा जीव है। यह हिमालय क्षेत्र में 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। कठिनाई से मिलने वाला यह जंतु दुर्लभ वन्य प्राणी है। यह शाकाहारी होता है। इसका संबंध चूहा प्रजाति से है। फल, बीज, फूल, टहनियां और जड़ों के छिलके व विशेष रूप से औषधि वाले पौधों की पत्तियां खाकर अपना जीवन गुजारता है। यह हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 4 वर्ष होती है। शरीर का भार लगभग 4 किलो तक होता है। इसकी पूंछ लगभग 16 इंच की होती है। कान छोटे छोटे होते हैं और नाखून तेज लंबे होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस 4 पैरों वाले जंतु की गर्भ से लेकर अपने बच्चे को जन्म देने तक की पूरी प्रक्रिया केवल 30 दिनों में पूरी हो जाती है। एक बार में मादा 6 बच्चों को जन्म देती है। यह हर वर्ष मई के महीने में प्रजनन करता है। इसके बच्चे जन्म के समय अंधे होते हैं। 1 महीने के बाद आँखों में रोशनी आती है। हिमालय के पहाड़ों के क्षेत्रों में जब बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, उस समय यह जीव अपने को ठंड से बचाने के लिए 6-7 महीने तक अपनी बिलों में बिना कुछ खाए पिए पड़ा रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके एक बिल में कई दर्जन मरमोट एक साथ रहते हैं। अप्रैल के महीने में जब बर्फ पिघलने लगती है तो कुछ समय बिताने के बाद यह अपने गहरे बिलों से बाहर निकलते हैं। सितंबर अक्टूबर महीने तक शाकाहारी पदार्थ खाते रहते हैं। इससे इनके शरीर में अधिक चर्बी एकत्र हो जाती है। इसी चर्बी के कारण गहरे बिलों में भी बिना खाए कई महीने तक जीवित रहते हैं। जब ये अप्रैल के माह में अपने बिला से बाहर आते हैं तो इनके शरीर का भार पहले के भार से आधा रह जाता है। मरमोट अपने गहरे बिलों को अपने तेज नाखून से मिट्टी खोदकर तुरंत बिल बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत में मरमोट की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका में इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। रूस में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। मरमोट हिमालय के वातावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस क्षेत्र में अगर मरमोट न होते तो वहां दूसरे मांसाहारी दुर्लभ जंगली जंतुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता, क्योंकि हिम तेंदुआ, हिम चीता, तिब्बती भेड़िया, हिम भालू, पैथर, पहाड़ी बाज जैसे जंतुओं का मुख्य भोजन मरमोट है।